नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर जियोग्राफी का हो जाता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का ये सेकंड क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में देख रखे हैं, दो क्वेश्चन देखे थे, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन दे रखा है लिंक उसका, या आप जाके हमारी वेबसाइट www.paperhacker.in पर भी आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन की, वो बढ़ते हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में देख रखा है और लॉन्ग क्वेश्चन में दो देख रखे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन लॉन्ग दिए हैं और तीन क्वेश्चन दूंगा शॉर्ट फर्स्ट यूनिट में से, बस उसी में से आपके सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पृथ्वी की आयु के निर्धारण के आधार आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, पृथ्वी की आयु के निर्धारण के आधार प्रस्तुत कीजिएगा। तो मतलब पृथ्वी की आयु जो है कैसे आंकी जाती है, उसके जो आधार हैं उनको आपको बताना है। ठीक, कौन कौन से आधार इसमें हो जाते हैं, तीन से चार आधार आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो बात करते हैं, पहले हमारी हेडिंग पड़ेगी उत्तर। उत्तर के बाद पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, पहली हेडिंग हमारी होगी पृथ्वी की आयु। क्या डालेंगे हम हेडिंग, हेडिंग जो डालेंगे पहली हेडिंग हमारी होगी पृथ्वी की आयु रहने वाली है पहली हेडिंग। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं, पहले बेसिक पढ़ते हैं जो हमने लिखा है पृथ्वी की आयु, मतलब बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, उत्तर हमने लिख दिया, पहली हेडिंग हमारी आ गई, अब हम थ्योरी लिखेंगे। तो बात करते हैं पृथ्वी की आयु कितनी है, इसकी उत्पत्ति भूवैज्ञानिक स्वरूप कैसा है, तथा पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास किस प्रकार का रहा है, यह किस विवादास्पद है, यह कैसा है, यह सभी क्या है, विवादास्पद है। अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि पृथ्वी का विकास इसी प्रकार से ही हुआ होगा। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी का इतिहास है ये सारा की सारा क्या है, विवादास्पद है। मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ या फिर पृथ्वी की आयु कितनी है, सिर्फ हम इसे क्या कर सकते हैं, आंक सकते हैं। तो वही दे रखा है कि यह सभी क्या है, विवादास्पद है। फिर देखा है पुरातत्व अभिलेखों एवं प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी का मानव सभ्यता का जो अभ्युदय है, मानव सभ्यता का जो अभ्युदय है वो कितना मानता है, 6000 वर्ष पूर्व ही माना गया है। कितना, जो मानव सभ्यता का अभ्युदय है, मतलब मानव जब आए थे वो कितना माना गया है, 6000 वर्ष पूर्व ही माना गया है। परंतु भूवैज्ञानिक साक्ष्य रूपी शैलों की बात करते हैं, जो शैल होते हैं, है ना, भूवैज्ञानिक साक्ष्य रूपी शैलों में निहित जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी की जो उत्पत्ति है कितनी मानी गई है, 6000 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है। अगर मनुष्य की बात करते हैं कि मानव सभ्यता या अभ्युदय के अनुसार कितनी मानी गई है, 6000 वर्ष पूर्व से मानी गई है। मगर यही बात करते हैं कि शैलों के तथा शैलों में निहित जीवाश्मों के आधार पर कितनी मानी गई है, तो यह 6000 मिलियन वर्ष मानी गई है। ठीक है, पूर्व हुई होगी, मतलब किसकी, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो बात करते हैं इसी प्रकार से जो ठोस रूप में हुई होगी वो कब हुई होगी, 4500 मिलियन वर्ष पूर्व आई थी। अगर बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी आई थी गैस के रूप में, यहां देखो बात करते हैं आधार पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो कैसे थी, लिक्विड फॉर्म में थी, मतलब तरल फॉर्म में थी, तो तरल फॉर्म में कब थी, वह थी 6000 वर्ष बिलियन वर्ष पूर्व आई थी। यही बात करते हैं ठोस रूप में पृथ्वी कब हो गई, तो यह हुई थी 4500 मिलियन वर्ष पूर्व आई थी, किसमें, ठोस अवस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर, बिल्कुल लीजिए आराम से कर सकते हो कि मनुष्य के अनुसार देखेंगे तो कितनी होगी, 6000, सिर्फ 6000 वर्ष पूर्व। यही बात करते हैं शैलों के अनुसार तथा जीवाश्मों के अनुसार हम नापेंगे तो कितनी होगी, 6000 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, यही ठोस अवस्था में कब होगी, 4500 मिलियन वर्ष। ठीक है, बात करते हैं आगे की ओर, आगे देखा है पृथ्वी की आयु के निर्धारण के आधार कौन कौन से हैं, अब इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी कि पृथ्वी की आयु के निर्धारण के आधार, हमने हेडिंग डाल दी क्योंकि ऊपर दे रखा था, तो पृथ्वी की आयु के निर्धारण के आधार बात करते हैं अपनी उत्पत्ति के समय पृथ्वी ज्वलनशील गैसों का समूह था। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी कैसी थी, ज्वलनशील गैसों का एक समूह हुआ करता था, जो क्रमशः तरल तथा ठोस रूप में परिवर्तित हुई। सबसे पहले किस में थी, गैस में, उसके बाद किस में आई, ज्वालीय गैस हुई, उसके बाद किस में आई, तरल में, लिक्विड में आई, उसके बाद किस में आ गई, ठोस में आ गई। ठीक है, परिवर्तित हुई। फिर कह रहा है पृथ्वी का आंतरिक भाग आज
बी अत्यधिक गर्म है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, केंद्र है, कोर है, ये क्या है अब भी हमारी क्या है अत्यधिक गर्म है। फिर देखा यद्यपि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास पर पर्याप्त अध्ययन किया जा चुका है, ठीक है, पर्याप्त अध्ययन कर किया जा चुका है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, तो इसलिए जो पृथ्वी का जो केंद्र है वो कैसा है गर्म है यहां पर दे रखा है, बिल्कुल इजीली आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना तो आप एग्जाम में बिल्कुल लिख कर आओगे। तो बात करते हैं, परंतु आज भी पृथ्वी की आयु एवं भूवैज्ञानिक इतिहास रहस्यमय है, अब भी रहस्यमय है, कंफर्म नहीं है कि इसी प्रकार से हुआ था, वो हमने एक प्रकार से मनगढ़ंत बनाया है। ठीक है, तो कह रहा है भूवैज्ञानिक इतिहास अब भी क्या है रहस्यमय है। फिर देखा है जेम्स हट्टन चार्ल्स और अपने हो जाते हैं चार्ल्स लिपेल, लैमार्क, विलियम स्मिथ, चार्ल्स डार्विन आदि भूवैज्ञानिकों ने जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी है 3000 करोड़, सिर्फ 3000 करोड़ वर्ष मानी है। अगर जीवाश्मों की बात करते हैं तब जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए जो जीवाश्म मिलते हैं उनकी बात यहां पर हो रही है, तो कितनी मानी है सिर्फ 3000 करोड़ वर्ष मानी है, परंतु भूवैज्ञानिकों के द्वारा सैलों की बात कर रहा है। वहां पर देखो सैलों के निरीक्षण के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी मानी है, वह मानी है भाई 4000 करोड़ वर्ष मानी है। तो दोनों आपको याद होनी चाहिए। अगर बात करता है जीवाश्मों के अनुसार कितनी है तो 3000 करोड़ है। यही बात करते हैं जो सैल हैं भूमि के द्वारा दबे हुए, जो सैल होते हैं मतलब चट्टाने जो है, अग्रण्य चट्टाने हैं और भी चट्टाने हैं, इनके अनुसार निकालेंगे तो कितनी होगी 4000 करोड़ वर्ष मानी है। फिर देखा है पृथ्वी की आयु संबंधी साक्षियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो बस ये वर्ग जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हमने बता दी कि जीवाश्म अनुकर्षा कितनी होगी 3000 करोड़ वर्ष, वहीं सैलों की बात करते हैं तो कितनी होगी 4000 करोड़ वर्ष, याद रहेगा 3000 4000 3000 4000, वहां पर कितनी थी 6000 मिलियन थी और 4500 मिलियन किसमें आई थी ठोस में आई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से यहां पर आधार हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला आधार आपके सामने दे रखा है, पहला जो वर्ग है, चार वर्गों में हेच किया गया है, तो पहला जो वर्ग हो जाता है वो हो जाता है खगोलीय साक्ष्य। खगोलीय साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, तो आप कहोगे सूर्य आ सकता है, सूर्य के अनुसार पृथ्वी की एक प्रकार से गणना कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा के अनुसार कर सकते हैं, तो हम इसमें देखने वाले क्योंकि भूगोल की बात हो रही है ना, मतलब खगोलीय साक्ष्य की बात हो रही है, तो खगोल के अनुसार कैसे पृथ्वी की जो आकलन किया है कि पृथ्वी की आयु इतनी है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो बात करते हैं खगोलीय साक्ष्य के अनुसार, हमने हेडिंग डालेंगे खगोलीय साक्ष्य। ठीक है, अब देखिएगा किसी भी तारे में ऊष्मा स्रोत क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है ना, तो किसी भी तारे में ऊष्मा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है हाइड्रोजन होता है। सूर्य द्वारा प्रति सेकंड कितना होता है 10^26, कितनी 10^26 ऊर्जा उत्पन्न होती है प्रति सेकंड, या कह सकते हैं 10 खरब पाउंड हाइड्रोजन प्रति सेकंड व्यय होती है, या आप लिख सकते हो 10^26, या आप लिख सकते हो कि 10 खरब पाउंड हाइड्रोजन प्रति सेकंड व्यय होती है। इस प्रकार सूर्य के अनुसार निकाल रहे हैं, इस प्रकार सूर्य को अपनी समस्त हाइड्रोजन की ऊर्जा में परिवर्तित करने में लगभग कितना लगेगा भाई, कितना लगेगा 5 अरब वर्ष लग सकते हैं। अगर वह सब पूरा की पूरा जो ऊर्जा है उसके अंदर हीलियम जो हाइड्रोजन है वो समाप्त होने में कितना समय लगेगा 5 अरब वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, फिर देखा है सूर्य द्वारा अभी तक कितनी हाइड्रोजन की मात्रा, कितनी हाइड्रोजन की मात्रा खर्च कर चुके हैं 6% का, 6 देखो ध्यान से देखिएगा 6% भाग ही ऊर्जा का उत्पन्न करने में नष्ट हुआ है। मतलब अभी तक कितना हुआ है सिर्फ 6% भाग ही, 100% होता है अपने आप में, तो इन्होंने कितना खर्च कर दिया अब तक सूर्य ने 6% जो भाग है, 6% जो भाग है वो सूर्य का खत्म हो चुका है, ये यहां पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इस प्रकार पृथ्वी की कुल आयु कितनी मानी गई है सूर्य के अनुसार, वह मानी गई है 300 करोड़ वर्ष ही है। अगर सूर्य की बात करते हैं, सूर्य का जो हाइड्रोजन का भाग जो खत्म हुआ है, ऊर्जा का भाग कितना 6%, इसके अनुसार देखते हैं तो कितनी मानी गई है 300 करोड़ वर्ष मानी गई है पृथ्वी की आयु। ठीक है, तो आराम से देख सकते हैं। अब यहां पर खगोलीय के अंदर का और भी आता है, अभी तक हमने क्या देखा सूर्य, तो सूर्य के बारे में याद क्या क्या करना है देख लिया ना आपने कि कितने प्रति सेकंड कितनी व्यय करती है 10^26 व्यय करती है, या आप ये तो करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको छोड़िएगा आप,
आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिएगा, 10^26 व्यय होती है लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर इस प्रकार के सूर्य में अपनी समस्त हाइड्रोजन की ऊर्जा कितनी, 5 अरब वर्ष तक वह ऊर्जा दे सकता है। खर्च कितनी हो गई, 6% याद रहेगा। इसके अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी आकी गई, 300 करोड़ वर्ष, ठीक है, इतना ही याद करना है। आगे देखो, अब देखेंगे चंद्रमा के आकर्षण से, चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होता है। अब तक हमने किससे देखा, सूर्य से देखा, पृथ्वी का आकलन किया, अब हम किससे करेंगे, चंद्रमा से करेंगे, ठीक है। बात करते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार के कारण पृथ्वी के घूर्णन में, जब ज्वार के कारण होगा, ज्वार आएगा तो घूर्णन में क्या आती है भाई, बाधा आएगी, 100% बाधा आएगी। फिर रखा है इससे पृथ्वी के घूर्णन का समय बढ़ता है, जब बाधा आएगी तो घूर्णन का क्या होगा भाई, समय बढ़ जाएगा। फिर देखा है जॉर्ज डार्विन के अनुसार, जो जॉर्ज डार्विन थे उनके अनुसार 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 13 सेंटीमीटर ओनली, कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष पृथ्वी से दूर हो रहा है कौन, चंद्रमा, ठीक है। प्रति वर्ष कितना हो रहा है, 13 सेंटीमीटर दूर हो रहा है, तो कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना, देख सकते हो आप, 3.86 लाख किलोमीटर दूर जाने में लगभग कितना लगेगा, 400 करोड़ वर्ष, कितनी, 400 करोड़ वर्ष का समय लगा होगा। इस प्रकार गैमों के अनुसार पृथ्वी की जो आयु हम आंकेंगे वो कितनी रही होगी, वो रही हुई 4 अरब वर्ष रही होगी, कितनी, 4 अरब वर्ष यहां पर रही होगी, ठीक है। तो मान सकते हैं 400 करोड़ वर्ष या फिर 4 अरब वर्ष रही होगी, चंद्रमा के अनुसार निकालते हैं तब, सूर्य के अनुसार 300 अरब, ठीक है, देखी थी 300 करोड़ वर्ष, ठीक है, और यहां पर आई 400 करोड़ वर्ष। तो आप 300-400 छोड़िएगा, 300-400 छोड़िएगा, डायरेक्टली याद करो कि एक 3 अरब यहां कर लो, 3 अरब, ठीक है, यहां कर लेना 300 को 3 अरब, कि 3 अरब आकी गई है किससे, सूर्य से। चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा में छुपा हुआ है 4 चंद्रमा कहोगे ना तो 4 आ गया, आया बिल्कुल याद हो गया कि चंद्रमा के अनुसार कितनी आकी गई है भाई, 4 कितनी, अरब, 4 अरब वर्ष आकी गई है। तो आपको दोनों याद हो गए, सूर्य के अनुसार कितने, 3, चंद्रमा के अनुसार कितनी, 4, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाला हमने आधार देख लिया, सेकंड को देखेंगे, सेकंड देखिएगा, सेकंड देखा है भूवैज्ञानिक साक्ष, अभी हमने देखे खगोलीय साक्ष, अब हम क्या देखेंगे, भूवैज्ञानिक साक्ष, ठीक है, मतलब भूमि के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन कौन से साक्ष दिए पृथ्वी के अनुसार। तो बात करते हैं पहला भूवैज्ञानिक साक्ष, देखते हैं पृथ्वी पर फैले सागरों महासागरों का जल कैसा होता है भाई, खारा होता है, मगर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो जो समुद्र का जल था वो खारा नहीं था, ठीक है, कैसे हुआ वो आप देख सकते हो यहां पर, पृथ्वी पर फैला सागर तथा महासागरों का जल खारा होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय समुद्री जल स्वच्छ एवं मीठा था, कह रहा ना पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कैसा था, जो समुद्र का जल जो था वो कैसा था, स्वच्छ और मीठा हुआ करता था, परंतु प्रतिवर्ष कितना आया, 1.56 × 10^14 ग्राम, 1.56 × 10^14 ग्राम नमक की मात्रा नदियों द्वारा स्थल भागों से समुद्री जल में पहुंचाई जाती है, प्रति वर्ष इतनी जाती है, ध्यान रखना भी इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, पहुंचाई जाती है तथा समुद्र में लबड़ों की जो कुल मात्रा है वो कितनी है, 1.26 × 10^12 ग्राम है, कितनी है, 1.26 × 10^12 ग्राम है। इस प्रकार इतना नमक नदियों द्वारा समुद्रों में लगभग इतने के अनुसार, प्रति वर्ष के अनुसार तो कितने, 8 करोड़ वर्ष में लाया जा सका है, कितने, 8 करोड़ वर्ष में लाया जा सका है। पर्वतों का उत्थान नदियों के अपरदन चक्र में परिवर्तन तथा लबड़ों को समुद्र में लाकर निक्षेपण करने की क्षमता में परिवर्तन आदि के कारण पृथ्वी की कुल आयु कितनी आकी गई है आप देख सकते हो, का अनुमान लगभग कितने, 150 करोड़ वर्ष, कितने, 150 करोड़ वर्ष का लगाया गया है, ठीक है, कितना लगाया गया अभी, 150 करोड़ वर्ष का लगाया गया है।
ध्यान रखना किसके अनुसार, समुद्र के अनुसार बात करते हैं, जो तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। भाई तर्कसंगत प्रतीत नहीं होगा ये कह रहे हैं, मतलब ये एक प्रकार से मुमकिन नहीं है। ये यहां पर रखा है, आप डायरेक्टली याद करोगे क्या कि समुद्र में पहले मीठा जल था, प्रत्येक वर्ष कितने लाए, इतना हो, कितना गया है वर्तमान में, इतना हो गया है, ठीक है, कितना समय लगा होगा, 8 करोड़ वर्ष लगे होंगे। और ये कह सकते हो यहां पर, बाकी मत लिखना, डायरेक्ट लिख देना, यह है सही प्रतीत होता नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सांच दे रखा है मगर सही प्रतीत नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ते हैं, है ना, बस लिख सकते हो, थ्योरी तो लिखना पड़ेगी। बात करते क्योंकि हमें क्या है 250 वर्ड में लिखना है ना, 200 से 250 वर्ड में लिखना है तो भाई लिखना तो पड़ेगा, थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगी। बात करते हैं पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों पर होने वाले अभिसाद क्रिया, जो होने वाली अभिसाद क्रिया होती है भी पृथ्वी की आयु के निर्धारण का साक्ष्य माना गया है। इसको भी क्या, अवसाद की जो क्रिया होती है, अवसाद लाया जाता है समुद्र के अनुसार, समुद्र के अंदर, तो भाई क्या पृथ्वी की आयु का निर्धारण उसके द्वारा भी आप लगा सकते हो, जो आप मृदा अपरदन होता है, ठीक है, तो समुद्र में क्या जाती है नदियों के द्वारा मिट्टी बहाव के बहाकर ले जाता है ना, तो वही बात यहां पर हो रही है। देखे आर्थर होम्स के अनुसार भूपटल पर अवसादों की कुल जो मोटाई है 112 किलोमीटर है, कितनी है 112 किलोमीटर है अवसादी सेलों की आयु, 130 करोड़ करोड़ वर्ष आंकी गई है पृथ्वी की आयु, इनकी आयु की तिगना, इनकी आयु की सॉरी इनकी आयु की तुलना में दो गुनी आंकी गई है। मतलब जब अवसाद जो सेल लेके आते हैं, ठीक है, सेलों की तुलना में, सेलों की तुलना में पृथ्वी की आयु में कितनी आंकी गई है, डबल, मतलब दोगुनी आंकी गई है। अगर यहां पर दे रखा है 112 तो कितनी होगी, 112 दुनी 24 मतलब 240 होगी फिर तो, ठीक है 224 तो होगा कहीं ना कहीं, कितना 300 करोड़, देखो 300 करोड़ वर्ष आंकी गई है, दे रखा है दोगुना है तो कितनी हो जाएगी 130, और यहां पर 130 को होगा, ज्यादा होना चाहिए था, रुकेगा रुकेगा, रखा है 112 किलोमीटर है अवसादी सेलों की आयु, कितनी है 130 करोड़ वर्ष आंकी गई है पृथ्वी की आयु, इनकी आयु की तुलना में कितनी है दोगुनी आंकी गई है, कितनी दोगुनी आंकी गई है। इस प्रकार जो पृथ्वी की कुल आयु निकल के आएगी वो कितनी आएगी 250 से 280, कितनी 250 से 280 करोड़ वर्ष होनी चाहिए थी, मगर ये भी एक गलत हो जाती है धारणा, ठीक है, इसके अनुसार भी हम नहीं निकाल सकते, आगे देखा होगा। परंतु पर्वतों का उत्थान अवसादी सैलों का निर्माण प्रक्रिया में आने बाली प्रक्रिया आधाएं बाधाएं तथा, रुकिएगा थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, कहां तक है, बाधाएं तथा अपरदन व निक्षेपण की प्रक्रिया में परिवर्तन आदि द्वारा अवसादी सैलों के आधार पर पृथ्वी की आयु निर्धारण अधिक उपयुक्त नहीं है, यह भी अधिक उपयोगी नहीं रही, ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी आके गई ओनली 250 से 280, ठीक है, मगर किससे उत्पन्न हुई पृथ्वी, सूर्य से, है ना, सूर्य से उत्पन्न हुई, तो इस प्रकार से कह सकते हैं सूर्य के अनुसार कितनी थी, सूर्य के अनुसार थी 3 अरब, है ना, सूर्य के अनुसार 3 अरब थी, तो यहां दे रखा है ओनली कितनी 250 से 380 करोड़ वर्ष ओनली दे रखी है, तो ये नहीं आंकी गई है, ठीक है, एक प्रकार से आधार कहां दे रखा है यहां पर, हाँ यहां देखिएगा, आधार पर पृथ्वी की आयु का निर्धारण अधिक उपयुक्त नहीं रहा, ठीक है, ये भी अधिक उपयोगी नहीं रहा है। अब देखेंगे तीसरा, ठीक है, तीसरा आधार कौन सा हो जाता है, वो जाता है रेडियो एक्टिवता का साक्ष्य, रेडियो एक्टिवता के अनुसार भी पृथ्वी का आकलन किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो बात करते हैं हेनरी बेकुटेल और पियरी क्यूरे आदि ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम पोटेशियम और थोरियम आदि से शक्ति या ताप विकृत होती है, तो ये तो पता है सभी के लिए कि यूरेनियम थोरियम और जो होता है अपना पोटेशियम से क्या होता है, ताप निकलती है, शक्ति निकलती है, ताप विकिरण होती है, फिर देखा है जिसको रेडियो एक्टिवता कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात दीर्घ काल तक रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा भूगर्भ को ताप प्राप्त होता रहा है, भूगर्भ को क्या होता रहा है भाई, ताप प्राप्त होता रहा है, कह रहा है रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा भूगर्भ को ताप प्राप्त होता रहा है। रदरफोर्ड ने 1904 में रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा सेलों की, 1904 में रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा सेलों की आयु का
परिकलन किया, आयु का क्या किया था, परिकलन किया था समस्त भूगर्भीय यूरेनियम तथा थोरियम पर आधारित प्रारंभिक परिकलन विधियों से भूगर्भ समय का विस्तार कम से कम कितना आका गया है, 200 मिलियन वर्ष माना जाता है। कितना, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है इसके अनुसार। ठीक है, रुकेगा, माना जाता है सबसे प्राचीनतम सेल पश्चिम ग्रीनलैंड में 3900 मतलब 2900 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी गई है। कितनी, इसके अनुसार देखो बात करते हैं भूगर्भीय समय के अनुसार, समय का विस्तार कम से कम कितना होगा, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। इसी की बात करते हैं सैलों के अनुसार, सैली पश्चिमी ग्रीनलैंड में देखें तो कितनी, 3900 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है। ठीक है, बात करते हैं जिसके आधार पर पृथ्वी की आयु का अनुमान 400 मिलियन वर्ष लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है, सैलों के अनुसार, सैलों के अनुसार लगाया जाता है 400 मिलियन वर्ष। कितना भाई, अभी हमने देखा ना 400 मिलियन वर्ष पूर्व लगाया जाता है। तो बात करते हैं रेडियोएक्टिव तत्वों का सहायता से कार्बन तिथिकरण तथा यूरेनियम विधि और पोटेशियम विधि का प्रयोग करके पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। तो ये विधियां हैं, कार्बन स्थिति, कार्बन तिथिकरण हो जाती है, यूरेनियम विधि हो जाती है और पोटेशियम विधि हो जाती है। ठीक है, कितनी आके गई इनके द्वारा, 4000 मिलियन वर्ष लगाया गया है, याद कर लेना। ठीक है, रेडियोएक्टिव तत्वों के अनुसार यही इंपॉर्टेंट होते हैं कि इतना लगाया गया इसके अनुसार, बाकी तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, बस मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि पृथ्वी की आयु का अनुमान कितना लगाया गया, लगाया गया भाई 4000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट यहां पर रहने वाला है, बड़ा बड़ा करते हैं इसके लिए, बिल्कुल। अब इस लास्ट वाले के लिए देखिएगा, चौथा हो जाता है जीव विज्ञान के साथ, मतलब जीव विज्ञान के अनुसार भी पृथ्वी का आकलन किया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सा हो जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो जीव विज्ञान का साथ मतलब जीवों के अनुसार, तो कह रहे हैं लैमार्क, विलियम स्मिथ और चार्ल्स डार्विन आदि जीव वैज्ञानिकों, कैसे हैं ये जीव वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिकों ने भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जीवाश्म, है ना, जो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जीवाश्म होते हैं तथा जीव अवशेष, कौन होते हैं, जीव अवशेष की सहायता से सैलों की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया है। इन्होंने द्वारा, किसके द्वारा, जीवाश्म तथा जीवाश्म अवशेष होते हैं उनके द्वारा पृथ्वी का आकलन करने का प्रयास किया है। तो बात करते हैं डार्विन ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू याद रखना इसके लिए, ओरिजन ऑफ स्पीसीज, इधर लाइट दिक्कत कर रही है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में सृष्टि के क्रमिक विकास की व्याख्या की है। तो इसमें उन्होंने क्रमिक विकास की, ठीक है, किसके, सृष्टि की क्रमिक विकास की व्याख्या की है, किसमें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं इनके अनुसार एकोस्की अमीबा से लेकर मानव विकास तक के क्रम को 400 मिलियन वर्षों का समय लगा है। कितना, 400 मिलियन वर्षों का समय लगा है यहां पर बताया जा रहा है। विद्वानों के अनुसार सैलें, यहां पर भूगर्भिक, ठीक है भाई, ठीक है, भूगर्भिक इतिहास के पृष्ठ एवं जीवाश्म उसके साक्ष, उसके अक्षर हैं। फिर देखा है तुम्हारा कुवियर स्मिथ, ठीक है, तथा आदि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। सैलों में क्या पाए जाते हैं भाई, जीवाश्म पाए जाते हैं। प्राचीन काल की सैलों में जीवन का सूत्रपात इतना माना गया भाई, 100 से 150 करोड़ वर्ष माना जाता है। इस आधार पर पृथ्वी की आयु का आकलन 200 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है, ठीक है, मगर यह भी एक प्रकार से पर्याप्त तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सारा के सारा, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा। अगर जीवाश्म सैलों के अनुसार बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाता है, ओनली कितना है, 200 करोड़ वर्ष, ठीक है, ओनली कितना, 200 करोड़। और यहां बात करते हैं, हमने देखा था रेडियोएक्टिव के अनुसार कितना था, 4000 मिलियन वर्ष माना गया था, यहां पर ओनली कितना है, 200 करोड़ वर्ष जीवाश्मों के अनुसार। क्योंकि जीवाश्म क्या होगा, जीव कब आए होंगे, जीव तो बाद में आए होंगे। तो ये हमने देख लिया आराम से, ठीक है, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा, बहुत ही मेहनत की इसमें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ
वहां नहीं मिलती है तो आप कहां जाओगे, पेपर हैकर डॉट इन, ठीक है, www.paperhacker.in, वहां पर आपको एक बटन मिलेगा, ठीक है, इसके अनुसार बी ए फर्स्ट ईयर, तो वहां पर आप जाओगे तो आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर जय हिंद, जय भारत।